नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत है कि सच को कितना भी छुपाओ लेकिन आखिरकार सच जुबां पर आ ही जाता है, और यही हाल हुआ है शिवराज सिंह चौहान का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान आज तक के साथ में कार्यक्रम में थे। सीधी बात, आज तक के साथ में प्रभु चावला के साथ में वो सीधी बात एक कार्यक्रम में थे, और वहां पर कोरोना का जैसे ही जिक्र हुआ, कोरोना के बारे में जैसे ही सवाल पूछा गया कि देश में इतने व्यापक स्तर पर कोरोना बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश की बुरी हालत है, ऐसे में आप पश्चिम बंगाल में चुनाव में रैलियां कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? ये सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब पर शिवराज सिंह चौहान ने जो जवाब दिया, इससे उनकी कलाई खुल गई, पूरी तरह से बेनकाब हो गए शिवराज सिंह चौहान, और बीजेपी भी इसमें साथ साथ बेनकाब हो गई। कैसे बीजेपी के नेताओं के अंदर एक ही बात है कि चुनाव जीतो, चुनाव जीतो, चुनाव जीतो, चुनाव केवल जीतो, और उसके लिए चाहे जो मर्जी होए कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवराज सिंह चौहान ने इसके जवाब में कहा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं लेकिन हमारा उनके परिणामों पर अभी ध्यान नहीं है, अभी हमारा ध्यान चुनाव जीतने पर है। आपने बिल्कुल सही सुना, यही बात शिवराज सिंह चौहान ने कही है। शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है, और सुनाएंगे भी आपको। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी कोरोना के परिणाम लगातार भयानक हो रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान अभी उन पर नहीं है, हमारा ध्यान चुनाव जीतने पर है। यह शिवराज सिंह चौहान का कहना था उनके जवाब में, आप खुद से सुनिए। अब शिवराज सिंह चौहान भले ही कहे कि उनकी जुबान फिसल गई थी, शिवराज सिंह चौहान भले ही लाख सफाई दे, लेकिन सच्चाई तो आखिरकार उनकी जुबान पर आ ही गई। कैसे, किस तरह से बीजेपी के नेताओं के मन के अंदर, तन के अंदर, दिमाग के अंदर एक ही बात रहती है कि चुनाव जीते जाए, और उसके लिए चाहे जो मर्जी हो, जितने मर्जी लोगों की जान खतरे में डालनी हो, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ जायज है। और शिवराज सिंह चौहान का तो, और कुर्सी से बीजेपी के नेताओं का वैसे कुर्सी से कुछ खास लगाव होता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कुर्सी से और कोरोना से एक खास लिंक है। याद है आपको, पिछले साल जब पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा हुई थी, वो केवल इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार बन जाए, मध्य प्रदेश में सरकार बन जाए, और उसके बाद में यहां पर पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। और जैसे ही मध्य प्रदेश में सरकार बनी, उसके अगले दिन ही पूरे देश में मोदी जी ने रात को 8 बजे प्रकट होकर के ऐलान कर दिया, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, यह ऐलान कर दिया गया था। तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनका ध्यान चुनाव जीतने पर है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान जिनकी जुबान से निकल रहा है कि चुनाव जीतना ही उनका अंतिम लक्ष्य है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी का एक ट्वीट आप देखिए, राहुल गांधी ने 10 बजे सुबह ये ट्वीट किया 25 अप्रैल को, और राहुल गांधी ने लिखा, सिस्टम फेल है इसलिए जनहित की बात करना जरूरी है, सिस्टम फेल हो चुका है इसलिए जनहित की बात करना जरूरी है, इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है, अपने कांग्रेस के साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़ करके सिर्फ जन सहायता करें, हर तरफ से देशवासियों का दुख दूर करें, कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। एक तरफ बीजेपी के नेता, बीजेपी के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य है, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि सारे काम छोड़ करके कांग्रेस के कार्यकर्ता एक अच्छी तरह से लोगों की मदद करें, क्योंकि देश के लोगों को अच्छे नागरिकों की इस वक्त में जरूरत है, और कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी ने अपनी तमाम रैलियां पश्चिम बंगाल के अंदर रद्द कर दी थी, और अब उसके बाद में राहुल गांधी का यह संदेश, यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान वो जो कह रहे थे, उनके प्रशासन क्या कर रहा है, उनका प्रशासन किस तरह से लोगों को मार पीट रहा है, एक बार आपको ये वीडियो दिखाते हैं। ब्रजेश राजपूत ने वीडियो ट्वीट किया है, और ब्रजेश राजपूत ने लिखा है, भोपाल पुलिस ऐसा तो ना करे, बेटा मां को लेकर जा रहा है और इसी जुर्म में पुलिस उसे उठाकर गाड़ी में डालकर ले जाए, बेबस मां रहम की भीख मांगती रहे। एक बेटा अपनी मां को बाइक पर लेकर के जा रहा था, पुलिस उसको रोकती है भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर। प्रज्ञा ठाकुर वहां की सांसद है, यह बात भी याद रखना, दिखी नहीं है वैसे, वो कहीं से दिखेंगी तो उनकी फोटो जरूर दिखाएंगे आपको कि लॉकडाउन में कहीं पर लोगों की मदद कर रही हो, वो नहीं दिखी है। बहरहाल भोपाल के अंदर एक बेटा अपनी मां को लेकर के जा रहा था, भोपाल की पुलिस ने, मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको वहां पर रोक लिया और बोले कि बदतमीजी कर रहा है, और इतना बोल करके, हो सकता है कि वहां पर कुछ कहा सुनाई हुई हो, अक्सर हो जाती है, पुलिस वाले नाके पर चौराहे पर रोकते हैं, अक्सर हम लोग
पुलिस वालों के साथ में थोड़ा भिड़ लेते हैं, लड़ लेते हैं, थोड़ी दो चार बातें कह देते हैं कि हाँ फला बात हो जाता है। लेकिन इसके पीछे आप किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा सलूक करें, आतंकवादियों जैसा सलूक करें कि उसको पांच पांच छह छह पुलिस वाले मिलकर के गाड़ी के अंदर ठूस करके ले जाए, उसकी मां मिन्नतें करती रह जाए, कि यह सलूक जायज है? हम बिल्कुल नहीं कहते कि नागरिक पुलिस वालों के साथ में ये गलत बिहेव नहीं करते। हाँ, कई सारे लोग हैं जो गलत बिहेव करते हैं, लेकिन पुलिस का यह तरीका नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर तो सवाल उठेंगे, इस पर तो सवाल जरूर पूछा जाएगा। देखिए आप किस तरह से बेबस मां के सामने उसके जवान बेटे को आतंकवादियों की तरीके से भोपाल की पुलिस ने ठूस करके आया कि नागरिकों को कंट्रोल करने में लगी हुई है। कोरोना को कंट्रोल बाद में किया जाएगा, पहले नागरिकों को कंट्रोल किया जाए। देखिए, नागरिकों के ऊपर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, हम इसके हक में हैं, लेकिन इस तरह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से बीजेपी के नेता अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं। लोगों से सब कुछ उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अपनी कोई जिम्मेदारी होती है? आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी, आपसे भी तो कोई पूछे। और अगर आप ना कुछ जवाब दें तो क्या फिर आपको भी इसी तरह से ठूस करके जीप में डाल दिया जाए, जनता इसी तरह से जीप में डाल करके ले जाए? आपको अच्छा लगेगा उस वक्त में? नहीं ना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के नेता क्या मीडिया मैनेजमेंट को छोड़ करके ग्राउंड रियलिटी पर काम करेंगे? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पर काम करके ही कोरोना को काबू में पाया जाएगा। हम तो हर बार कहते हैं कि सब लोग अपने अपने घरों में रहिए, दो मास्क लगा करके रखिए, बिल्कुल जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो दो मास्क लगा करके रखिए, यह कंपलसरी है जिस तरह का कोरोना इस वक्त में फैला हुआ है। लेकिन सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है। अब सरकार की तरफ से अगर यह कह दिया जाए, खुलेआम ऐलान कर दिया जाए कि हमारा प्राथमिकता तो चुनाव जीतना है, तो इसके बाद में जनता कहां जाए? जनता का गुस्सा क्यों ना फूटे? लोग तो खुलेआम कहते हैं कि आप यहां पर लॉकडाउन में कह रहे हैं, आप धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि घर में रहिए, दो मास्क पहन करके रखिए, वहां पर बीजेपी की बंगाल में रैलियां हो रही है, तो लोगों का गुस्सा तो फूटेगा। आप अपनी प्राथमिकताओं को सही करिए। अगर आपकी प्राथमिकताएं, आपका मन आत्मा ठीक होगी तो इस तरह से जुबान फिसलेगी नहीं फिर आपकी। उम्मीद करते हैं शिवराज सिंह चौहान, जो ग्राउंड रियलिटी पर काम हो रहा है, जिस तरह से उनका प्रशासन काम कर रहा है, इसको जरूर ठीक करेंगे। जुबान तो चलती रहती है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।